मॉर्निंग फ्रेंड मैं सीमा मेहता अपने इस यूट्यूब चैनल सीमा मेहता ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ आज मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो शेयर करने जा रही हूँ ये वीडियो है मेरी फ्लावर कैसे बनाते हैं हम लोग ऊन से कैसे फ्लावर बनाते हैं तो उसके लिए तो सबसे पहले क्रोशिया की जरूरत पड़ती है जो कि मार्केट में इजीली मिल जाता है और उसी क्रोशिया से हम फ्लावर बनाते हैं फ्लावर हम जैसे कैप में लगा सकते हैं उसको और बेबी कैप बेबी स्वेटर और क्रोशिया से बनाई हुई कोई फ़्राक इत्यादि में लगा सकते हैं ये देखिए मैंने ये कैब बनाया है ये कैप मे ये कैप की वीडियो तो मैंने कल को कल अपलोड की थी देखिए पूरी फिटिंग के साथ बनी है कैप और इसमें मैंने जो ये देखिए फ्लावर लगाया साइड में लगाया मैंने फ़्लावर कितना सुंदर लग रहा है और अगर ये वीडियो आप लोगों को मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें देखिए मेरी वीडियो देखिए ये मेरा रोज़ है रोज़ बनाने के लिए हमें ये क्रोशिया की ज़रूरत पड़ती है ये क्रोशिया मार्केट में दस रुपये का मिल जाता है देखिए एक तो पतला वाला क्रोशिया होता है और ये थोड़ा मोटा वाला क्रोशिया यानी कि दस नंबर का क्रोशिया होता है मोटा वाला क्रोशिया होता है जब हम ऊन का कोई भी चीज़ बनाते हैं तो इसी मोटे क्रोशिया से बनाते हैं दस नंबर वाले क्रोशी से और जो पतला क्रोशिया होता है वो तागा काटने के काम आता है जो पतला वाला तागा होता है और जो मोटा क्रोशिया होता है ऊन हम इसी तागे की सहायता से मतलब ऊन से अगर हम कुछ भी बनाएं तो इसी क्रोशिया की मदद से हम बनाते हैं ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं अब ये देखिए मेरा रोज़ कितना सुंदर लग रहा है देखिए मैंने किस तरीके से बनाया वो अभी आप लोगों को दिखाऊंगी और ये देखिए इसमें बटन भी मैंने बेहद सुंदर लगा रखा है रेड कलर का मैंने रोज बनाया है और इसमें वाइट बटन लगाया है देखिए फ्रेंड आज मैं आप लोगों को एक फ्लावर बनाना सिखाऊंगी ये फ्लावर जैसे आप कैप में और जैसे बेबी फ्राक बनाते हो उसमें भी लगा सकते हो तो अभी तो मैं ये फ्लावर अभी कैप के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने अभी कैप बनाई है और अगर आप बच्चों के लिए फ़्राक बनाते हो और डिज़ाइनर कैप बनाते हो तो उसमें भी आप छोटे बड़े फ्लावर लगा सकते हो सबसे पहले इसमें मैं एक गांठ लगाऊंगी ये देखिए ऐसे तागा फ़ोल्ड करके इस तरीके से ये ये मैंने गांठ लगा दी और इसके बाद मैं इसमें कितनी चैन बनाऊंगी वो आप लोगों को बताती हूँ अब मैं इसमें बनाऊंगी फोर्टी सिक्स चेन ये देखिए इस तरीके से ये हर चीज़ बारीकी से आप लोगों को बता रही हूँ इसलिए ध्यान से देखिए ये देखिए एक चेन दो टाइट मत करना मतलब एकदम टाइट करने से ये होता है कि बाद में अगर हम इनमें क्रोशिया डाल के बिने तो एकदम से क्रोशिया नहीं जाती तो आप मतलब ज़्यादा टाइट भी मत करना मतलब इतना मतलब इतना ढीला करो कि दोबारा हम उसमें क्रोशिया डाल सकें दो दो फंदे तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह देखिए मेरे इसमें फोर्टी सिक्स चेन कंप्लीट हो चुकी है ये देखिए आप लोग फोर्टी सिक्स चेन कंप्लीट हो चुकी है अगर आपने बड़ा फ्लावर बनाना है तो आप इसमें चेन बढ़ा सकते हो अगर छोटा फ्लावर बनाना है तो चेन कम कर सकते हो तो अभी मैं इसमें मीडियम साइज का फ्लावर बनाऊंगी तो अभी मैंने इसमें फोर्टी सिक्स फंदे ही रखे हैं अब देखिए अब हम यहाँ से ऐसे पहले क्रोशिया को देख लीजिए इसको हम एक बार ऐसे मोड़ लेंगे इसमें तागे को डाल के अब इसमें सिक्स चेन हम काउंट करेंगे सिक्स चेन गिनेंगे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स के अंदर हम इस तरीके से इसको डालेंगे देखिए मैं बेहद बारीकी से बता रही हूँ इस तरीके से बनाओगे तो आपका फ्लावर काफी अच्छा होगा देखिए इस तरीके से हमने इसको कम करना है सिक्स में डाल दिया अब हम डालेंगे थ्री में अब हम पहले ऊपर थ्री थ्री करके ऐसे बिल लेंगे वन टू देखिए मैंने यहाँ पर सिक्स फंदे गिन के एक क्रोशिया बना ली है अब ऊपर को हम थ्री बनेंगे एक तो मैंने बिन लिया है ये देखिए इस तरीके से बिनना है ये ध्यान से देखिए ये इस तरीके से एक मैंने पहले बिन लिया था एक ये टू और ये थ्री थ्री बना के ये छोटी सी मेरी ये देखिए जाली वाली लाइन हो गई अब फिर तागे को क्या करना है हमने इसमें ऐसे मेड़ना है इसमें मेड़ने के बाद पहले हमने सिक्स काउंट किए थे अब हम यहाँ थ्री काउंट करेंगे वन ये देखिए ये देखिए वन जाली टू जाली थ्री थ्री में डालेंगे हम इसको और यहाँ से ऐसे निकालेंगे बाहर बाहर निकालने के बाद ये देखिए एक बार ऐसे कम किया गांठ लगा दी फिर दूसरी बार ये जाली वाले के साथ कम करेंगे और तीसरी बार फिर ये ऐसे कम करेंगे ये देखिए हमने थ्री वाले में डाल दिया अब हम फिर ऊपर को फिर थ्री बनाएंगे वन टू तो, थ्री थ्री बनाने के बाद हम फिर तागा इसमें ऐसे लपेटेंगे फिर इसको हम इसी में डालेंगे अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे इसी में डालेंगे वन देखिए इसी में डाल दिया हमने इसको हम इस तरीके से कम करेंगे वन टू तो, थ्री देखिए इस तरीके से हमने इसको कम कर लिया यहाँ पर हमारा ये ट्राइंगल के शेप में ऐसे बन गया देखिए ये छेद बन रहा है ये अब फिर हम फिर थ्री काउंट करेंगे वन टू थ्री थ्री काउंट करके फिर हम यहाँ थ्री गिनेंगे वन टू थ्री थ्री कर लिया ये देखिए एक कम किया दोबारा कम किया तीसरी बार कम किया फिर चौथी बार इसमें से फिर ऐसे गांठ लगा दी ये हो गया अब हम ऊपर को भी थ्री बार क्रोशिया करेंगे वन टू तो, थ्री थ्री क्रोशिया करके फिर क्रोशिया को इसमें लपेट के फिर इसी सिलाई में डालेंगे जहाँ हमने पहले बनाया था ये वन बार निकाल दिया दूसरी बार ये एक, एक दो ये तीन चौथी बार इसमें ऐसे फिर गांठ लगा दी ये देखिए ये फिर ट्रायंगल जैसे बन रहे हैं अभी आप ध्यान से देखिए इसी तरीके से हमने पूरी जाली में बनाने हैं ये फिर ऊपर को वन टू थ्री फिर तागा ऐसे मेड़ के फिर यहाँ भी हम थ्री काउंट करेंगे वन जाली टू जाली थ्री जाली तीसरी जाली में फिर डालेंगे हम इसको ये एक बार यहाँ कम किया ऐसे फिर ऐसे दूसरी बार कम किया फिर तीसरी बार कम किया फिर चौथी बार ये ये ऐसे कम कर दिया फिर ऊपर को भी तीन बिनेंगे हम वन टू तो, थ्री ऊपर को भी थ्री बिनने के बाद फिर हम इसी में डालेंगे जहाँ से हमने पहले जाली बनाई थी पहले डाला था ये वन टू तो, थ्री हो गया थ्री फिर हम ऊपर फिर थ्री करेंगे वन टू थ्री फिर यहाँ हम आगे बढ़ेंगे यहाँ भी वन टू थ्री थ्री वाली जला जाली में डालेंगे ये देखिए मैंने ये चेन पूरी बना ली है मतलब तो ये जाली जो है मेरी पूरी बन चुकी है अब जो लास्ट में है देखिए ये देखिए ये है मेरा अब मैं कैसे बनाऊंगी ये देखिए अब देखिए इस छेद बड़े वाले छेद में हमने कुछ नहीं बनाना है अभी जो ये छोटा वाला छेद है इसमें कैसे डालना है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसमें हम एक छेद में कम से कम आठ बार डालेंगे पहले तो हम सिलाई को एक ऐसे गांठ लगा लेंगे फिर ऐसा तागा फेर के ये एक बार ऐसे निकाला पहले एक गांठ ये ऐसे लगाया दूसरी बार फिर ऐसे किया तीसरी बार फिर चौथी बार फिर इसमें अच्छे से गांठ लगा दिया ये इस तरीके से हमें एक फंदे में आठ बार डालना एक बार डाल दिया अब डालेंगे हम दूसरी बार ये निकाला एक गांठ लगाया दो गांठ लगाया तीन गांठ लगाया चौथी बार हमने अच्छे से बंद कर दिया ये दो दो बार डाल है आप ये मेड़ लिया एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार एक। फिर फेर लिया एक।, एक बार ध्यान से देखिए दो बार ये चौथी बार ये इसमें अच्छे से काट लगा लिया कितनी बार डाल दिया हमने चार बार ठीक है आठ बार डालना है एक में ऐसे मेरा एक बार निकाला यहाँ ऐसे गाँठ लगाई दूसरी बार फिर ये तीसरी बार इसको बंद किया चौथी बार ये अच्छे से लॉक लगा दिया ये पांच बार हो चुका है मेरा अभी छठी बार डाल ली हूँ मैं ये एक बार डाला फिर पहला गाँठ ये लगाया दूसरी गाँठ दो ताकों के बीच से निकाल के लगाया तीसरी बार ये लगाया चौथी बार पूरा इसको क्लोज कर लिया फिर ये अभी तक मेरे कितनी बार हो चुका है सिक्स बार फाइव सिक्स सेवन बार हो चुका है एक बार और करना मेरे एट बार ये दो तीन चार ये देखिए रोज का लुक आ रहे है नहीं रोज वाला ही फ्लावर बना रहे हैं हम लोग और जो बीच वाला है इसमें क्या करना है इसमें ऐसे एक बार ये करके ये ऐसे निकाल के ए बस इसको इसको यहाँ पर हमने ऐसे एक ही बार करना है बंद कर दिया बस फिर ऐसे ही फिरा अब इसमें डालेंगे देखो मन इनमें हम सिर्फ एक बार करेंगे और जो ये छोटे वाले बनाए हैं इनमें हम आठ आठ बार करेंगे ये फर्स्ट बार कर रही हूँ ये एक लॉक लगाया फिर दूसरा लॉक लगाया फिर इस तरीके से तीसरा लॉक लगाया चौथे लॉक में अच्छे से इसको बंद कर दिया फिर तागा फेरा एक एक बार निकाला एक गांठ लगाई ये देखिए दो के बीच से निकाला दो गांठ लगाई, लगाई फिर तीसरी गांठ लगाई फिर चौथी गांठ में पूरा लॉक लगा दिया फिर फिर आज दो हो गए एक बार निकाला दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार पांचवी बार पूरा लॉक निकाल दिया ये तीन बार हुआ मेरा चौथी बार है ये ध्यान से देखिए मैं अच्छे से बता रही हूँ आप लोगों को ये ताका फेरा चार जालियां बन चुकी हैं इसमें मैंने आठ बनानी है चार और बनानी है एक बार दो बार तीन बार चौथी बार पांचवी बार फिर ऐसे फेर लेंगे। yeah ये देखिए दो फ्लावर मेरे छोटे छोटे तैयार हैं इनको हम किस तरीके से ऐसे गोल राउंड शेप देंगे वो मैं पूरा करके दिखाऊंगी और जो ये इसमें है इसमें सिर्फ हमने एक गांठ लगानी है ये बीच वाले में सिर्फ एक ही गांठ लगानी है और जो ये वाले छेद हैं इनमें आठ आठ बार डालना है एक में अब मैं आपको पूरा करके दिखाती ये देखिए मेरा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है ये देखिए पूरा मैंने बना दिया है अब इसको हम रोज की तरह कैसे बनाएंगे वो दिखाती हूँ अब हम इस तागे को यहाँ से कट कर लेंगे कट करके इसको ऐसे निकाल देंगे जिससे कि ये बाहर खुले ना ये देखिए टाइट हो गया यहाँ पर मैं अब ये देखिए फ्लावर कैसे बनेगा आप कुछ लोगों को दिखाती हूँ बहुत सुंदर फ्लावर बनता है ये बेहद सुंदर फिर इसको हम सुई की सहायता से कच्चा कर लेंगे सुई की सहायता से सिल के अच्छे से एक दूसरे पर अटैच कर लेंगे ये देखिए ये मेरा फ्लावर देखिए कितना सुंदर लग रहा है कितना प्यारा लग रहा है ये देखिए अब इस फ्लावर को हम एक दूसरे पे सिल लेंगे देखिए इसमें पहले तो हम इन चीज़ से गांठ लगा लेंगे सुई में ये देखिए ये मेरा बैक साइड का फ्लावर है देखिए इसमें भी कितनी सफाई है आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड मतलब बहुत अच्छा बनाया देखिए कितनी सफाई के साथ है ऐसी सफाई के साथ आप लोग भी बनाइए ये देखिए कोई नहीं कहेगा कि हम लोगों ने ये घर में बनाया ऐसा लग रहा है कि मशीन से बना हुआ है और बिल्कुल रियल फ्लावर लग रहा है रियल रोज देखिए पहले तो हम मतलब एक दूसरे में अटैच करना है हमको यहाँ पर हम इसको पहले लॉक कर लेंगे गांठ लगा लेंगे फिर ये देखिए हल्का हल्का ला के ये थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे सुई घुमा लेंगे जिससे कि ये सारे अटैच हो जाए बेहद सुंदर फ्लावर बना है आप लोग भी इसी तरीके से बनाइए क्रोशिया से तो आपका फ्लावर भी बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि हम कम प्राइस में घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं और बच्चों के फ़्राक में भी बहुत अच्छा लगता है ये रोज़ फ़्राक बनाओ बच्चों के लिए अगर स्वेटर बनाते हो तो उसमें भी काफ़ी अच्छा लगता है मतलब तो एक दूसरे को अटैच कर लेना है जिससे कि ये खुले ना बाद में जैसे हम इसे कैप में सिलते हैं या अगर आप किसी फ्राक के लिए बना रहे हो फ्रॉक में सिलते हो या किसी स्वेटर के लिए बना रहे हो स्वेटर में सिलते हो तो ये खुलते नहीं इसलिए हमें हर रोज की हर जो कलियां निकली हैं इसको हर कली को सिलना है गौरव बेटा ये मैंने इसे अच्छे से सिल लिया है मतलब एक दूसरे के साथ अच्छे से अटैच कर लिया है ये देखिए इसकी हर पंखुड़ी